आप देख रहे हैं सुहेल स्टार को और यूट्यूब चैनल सुहेल स्टार ऑफिशियल को। तो अभी अभी मुझे कॉल आई है कि डाकखाने से कि आप आएँ, आप अपना पार्सल लेके जाएं। तो मुझे कह रहे थे कि कुछ यूपीएल का है, तो मैंने अप्लाई किया था यूपीएल में एटीएम कार्ड के लिए, तो मुझे लगता है वही आया है। तो एक आपके लिए अपना क्या कहते हैं उसको यार, सरप्राइज़ भी आने वाला है इंशाल्लाह बहुत ही जल्द। तो वो सरप्राइज़ का मैं व्लॉग बनाऊंगा और वो सरप्राइज़ मेरे लिए खुशी का सबसे बड़ा दिन होगा और मेरी खुशी की इंतहा होगी यार। अभी तो फ़िलहाल जा रहा हूँ मैं यूपीएल का अपना एटीएम कार्ड लेने में, कार्ड लेने के लिए। हाँ, उन्होंने मुझे यही बताया था क्योंकि मैंने थोड़ी सुनना नहीं था, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था। तो अब चलते हैं अपने लोकेशन पे, जाते हैं और डाकखाना सरदारपुर जलीर से अपना क्या कहते हैं यार पार्सल लेते हैं। आप इतना सोच रहे क्यों लग जाता है यार, आपको मुझे लगता है ना कुछ होता है यार, ये बंदा दाल में कुछ काला काला बना रहा है। चलो भाई तो चले जाते हैं हम, तो जब हम रिसीव करेंगे तो तब भी वीडियो बनाएंगे, जब घर वापस आएंगे तो फिर भी वीडियो बनाएंगे। तो चलिए दुआ में याद अपने है ना कैमरे सब्सक्राइब करें, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। हम गरीबों का मोटरसाइकिल देखें, यार सरदारपुर आते आते ना हमें भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, तो हम आए हैं चाचू के पास। ये हमारे इलाके में भी आते हैं, बहुत अच्छे चावल बनाते हैं और कमाल चावल बनाते हैं यार। आए हम ने सोचा जा रहे थे वापस मुड़े हैं, उन्होंने कहा चलो थोड़ा सा ना टेस्ट चेक कर लेते हैं, भूख भी लगी होती क्योंकि सुबह से हमारे खाना नहीं पकता यार, हमारा पकता बात बहुत ही टेस्टी होते हैं यार, बहुत टेस्टी कसम से, आप खाओगे तो मज़ा आएगा। पैसे तो आप भरोगे ना। यार इसकी ना खुशबू तो प्यारी प्यारी आ रही है, मुझे लगता है ये ना अभी मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि अभी मैंने खाए भी नहीं। अरे हाय, बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमाल ज़बरदस्त भाई, ताला लगा हुआ है। ओहो यार, मुझे कॉल आई थी कि आप अपना सामान लेके जाएं, तो पहुंचा हूं तो अपनी लोकेशन पे, अपने डाकखाने पे, तो अभी डाकखाने वाले नहीं आए, 9 बजने वाले हैं। ये देखें टाइम, अगर कुछ नज़र आए पता नहीं किस टाइम आते हैं यार। अब हम जाने वाले तो नहीं हैं पीछे आसानी से, अब अपना पार्सल ले के ही जाएंगे। पीछे से कोई रास्ता होगा घुसने का, जूते खाने तो देख लें टाइम दोस्तों। अब बैठे हम वेट में, देखते हैं कितना टाइम बाद आते हैं दोस्त। मैंने कॉल किया है सरदारपुर जंडी डाकखाने वाले भाई को कि भाई हम 9 बजे से आपका वेट कर रहे हैं, कब आओ। उन्होंने कहा कि अभी मैं चलने लगा हूँ, देखो 9:30 बजे आ जाते हैं, करते हैं इंतज़ार, जो इतना ही वेट कर ले तो ये भी वेट करते हैं, मज़ा लेते हैं सुकून का बेंच डाकखाने का। वेट कर रहे हैं भाई, हालत देखें। यार मेरे व्लॉग को उठा दो यार प्लीज़,
आप मुझे सपोर्ट करते हो कसम खुदा कि यार दिल बाग बाग हो जाता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आप सबसे मोहब्बत वाली रिक्वेस्ट कि मेरी इस वीडियो को ऐसे 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 मतलब वायरल कर दो। और पता है ना, जब कोई किसी का साथ देता है तो अल्लाह पाक उसका साथ देता है। आप मेरा साथ दो, अल्लाह ताला आपका साथ देगा, इंशाल्लाह आपको भी उस की रहमत। यार तू मेरी वीडियो बना रहे, कसम खुदा की कुछ तो शर्म कर ले, बदतमीज इंसान। बंद कर। हाँ भाई, ये हमें मिल गया यूबीएल का जो आना था, जो फॉर्म शॉर्म जैसे अनबॉक्सिंग करेंगे तो पता चलेगा क्या निकलता है इसमें। उन्होंने इसमें खाली भेजा है भाई। स्वागत करो जी, हमने डाकखाने से ये यूबीएल का वो फॉर्म ले लिया है, अब चलते हैं घर। जो सरप्राइज़ देना था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, जल्दी वो सरप्राइज़ पूरा हो जाएगा। अभी चलते हैं घर, फिर जाना है मैंने एमसी यूबीएल बैंक में अपने एटीएम लेने के लिए। तो मिलते हैं।